द रैपिड फायर डेली क्रंच ऑफ SMCQ बज गए हैं शाम के 4 एंड आई होप एवरी वन इज़ रेडी एंड एवरी वन इज़ तैयार. वट एवर यू डू डू इट बेटर. वट एवर यू ट्राई ट्राई अ लिटिल बेटर. वट एवर यू थिंक थिंक अ लिटिल बेटर. एंड वट एवर यू अटेम्प्ट अटेम्प्ट अ लिटिल बेटर. गेटिंग बेटर दैन यस्टरडे इज़ द मंत्रा दैट यू शुड हैव. एंड इफ यू हैव दिस मंत्रा then from being a student you can become a master. आप सबका दोस्तों स्वागत है हमारे आज के रैपिड फायर डेली क्रंच ऑफ SMCQ में, जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से हम 15 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस. एंड एवरी डे ये सेशन आपका आता है मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे आता है 4 बजे, और इसी का वीकली एनालिसिस हम करते हैं एवरी सैटरडे एट 10 AM. सो आई होप एवरी वन हु इज़ अ रेगुलर फॉलोअर विल जॉइन दिस सेशन, विल प्रमोट दिस सेशन, विल शेयर दिस सेशन, ताकि ये सेशन बाकियों तक भी मैक्सिमम आपका पहुँच जाए. एक बार ज़रा फटाफट सब लोग कमेंट कीजिएगा यस सर 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 एंड वी आर रेडी एंड वी आर तैयार. आज हमारा टारगेट है टू रीच टू 50 लाइव व्यूअर्स, और आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं कर पाएंगे. तो फटाफट आग लगा दो और वीडियो के लिंक को शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चाहे इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो, और सबको बटोर के ले आओ इन दिस अमेजिंग सेशन दैट इज़ द रैपिड फायर डेली करंट अफेयर्स MCQ दैट हैपन्स एवरी डे एट 4 PM. तो चलिए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा. अ 5-day वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो वॉज ऑर्गेनाइज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बॉडीज. निम्न में से किस उद्योग निकाय द्वारा 5-दिवसीय वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का आयोजन हाल ही में किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं CII, फिक्की, IBA और ट्राई, या फिर इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ फिक्की. फिक्की इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है. मेरा सवाल आपसे यहाँ पर है, रिसेंटली उदय कोटक हैज़ बीन मेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. इनमें से किस ऑप्शन के या किस संगठन के, किस ऑर्गेनाइजेशन के द न्यू प्रेसिडेंट इज मिस्टर उदय कोटक, द MD एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक. उसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, इट इज़ CII. इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को, इस एक्सपो को लॉन्च किया था, इसको इनॉग्रेट किया था मनसुख मांडविया ने, जो हमारे शिपिंग के मिनिस्टर हैं. उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को दोस्तों हाल ही में आज ही उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट आपका किया था. आगे बढ़ते हैं. फॉर रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कॉज ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री, नीति आयोग विल लॉन्च द प्रोजेक्ट डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इन कोलेबोरेशन विद द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ITF? देश में परिवहन के कारण होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए नीति आयोग ने इनमें से किसके उत्सर्जन को कम करने के लिए के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया जो है उसको दोस्तों यहां पर लॉन्च किया है. आपके सामने ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, जिनीवा, पेरिस, लंदन या फिर आपका हैम्बर्ग. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज़ ऑप्शन सी, इट इज़ आपका पेरिस. पेरिस में इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया. अब ज़रा मैं आपसे फटाफट सवाल पूछता हूँ और ज़रा इसके जवाब दीजिएगा जल्दी से. प्लीज़ टेल मी वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ICJ? ICJ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा. इसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके जिनीवा में. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन बनेगा आपसे, रिसेंटली FATF, OECD इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? इसका आंसर आपके सामने दोस्तों जो है दैट इज़ आपका पेरिस. पेरिस में आपके इसके दोस्तों जो हैं वो हेडक्वार्टर्स हैं. थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनेगा. थर्ड क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विल यू फाइंड द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स आपको दोस्तों कहाँ पर दिखाई देंगे? दैट इज़ माई क्वेश्चन. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनिसेफ? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, फटाफट कमेंट कीजिएगा जल्दी से, आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर. एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क में आपके हेडक्वार्टर्स हैं ऑफ द यूनिसेफ. दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर. क्या बात है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. विच स्टेट गवर्नमेंट इज टू लॉन्च अ जॉब गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड 100-day वर्क गारंटी टू द अनस्किल्ड वर्कर्स लिविंग इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट? किस राज्य के सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को 100-दिवसीय कार्य गारंटी प्रदान करने हेतु नौकरी गारंटी योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इट इज़ झारखंड में इस पर्टिकुलर योजना को दोस्तों शुरू किया गया है, जहां पर मिनिमम जो मिलेगा दैट विल बी 7 डेज, मैक्सिमम मिलेगा
उनको 100 days. यहाँ पर जो मिनिमम आपका एक इंसेंटिव होगा, जो एक डेली वेज होगा, वो वैसे तो 194 rupees है मनरेगा के अंदर, और यहाँ पर द वेज वुड बी एटलीस्ट 40% हायर देन दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर अमाउंट. कम से कम 40% इससे ज़्यादा मिलेगा उनको. और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, जिसको कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको दोस्तों लॉन्च किया है. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. और अगर रोज़गार नहीं मिलेगा 15 days के अंदर उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलेगा 7 days का, ये भी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है. दिस योजना इज अंडर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, दैट इज़ हेमंत सोरेन. उन्होंने इसको यहाँ पर लॉन्च करने की दोस्तों जो है वो यहाँ पर बात कही है. ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर गाइस. बिल्कुल आपका ये सही जवाब है, दैट इज़ एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि ये रहा. रिनाउंड पर्सनैलिटी लक्ष्मण सिंह लेल has passed away recently. He was a veteran what? यह एक वरिष्ठ इनमें से दोस्तों क्या थे? डॉक्टर, लॉयर, ब्यूरोक्रैट, आर्मी मैन या फिर साइंटिस्ट, क्या थे आपके लक्ष्मण सिंह लेल? दोस्तों इसका आंसर है ही वॉज अ आर्मी मैन एंड ही वॉज अ वॉर वेटरन एंड रिसेंटली गाइज ही हैज़ पास्ड अवे. मैंने आपसे कहा 194 आपका झारखंड में है जो अमाउंट है. ओवरऑल 202 है पर झारखंड में आपका 194 है. ठीक है सर, तो यहाँ जो आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी, दैट इज़ एन आर्मी मैन. Please tell me recently विद्याबेन शाह also passed away. विद्याबेन शाह दोस्तों क्या थी? वो दोस्तों आपकी एक सोशल एक्टिविस्ट थी. उनका हाल ही में दोस्तों देहांत हुआ है. रिसेंटली राजेंद्र गोयल also has passed away. राजेंद्र गोयल कौन थे? राजेंद्र गोयल एक रणजी ट्रॉफी के हाई विकेट टेकर थे क्रिकेट में, और ही हैज़ बेसिकली passed away. ही वॉज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर इन द 1970s. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. Which private sector bank has partnered with fintech startup Afford Plan to launch Swasth Card, a co-branded healthcare card under Swasth Program? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत co-branded healthcare card, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए fintech startup Afford Plan के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन बी, इट इज़ येस बैंक. अगर हम यहाँ पर येस बैंक की बात करें, येस बैंक आपके मल्टीपल रीजंस की वजह से आपका न्यूज़ में है. सबसे पहला रीज़न है येस बैंक के न्यूज़ में होने का, दे हैव अक्वायर्ड 24.19% स्टेक इन डिश टीवी. सबसे पहला रीज़न ये है. सेकेंड रीज़न जो इसका है दैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो रीज़न है नीरज धवन को दे हैव अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर. थर्ड रीज़न है दे हैव कोलैबोरेटेड विथ मैक्स इंश्योरेंस फॉर 5 more years, और उन्होंने 2020 ईयर को उन्होंने दोस्तों रखा है द ईयर ऑफ द कस्टमर. इस वजह से आपका न्यूज़ में है. इस ये रीजंस हैं आपके इनके न्यूज़ में होने के. एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर हम ICICI बैंक की बात करें, ICICI बैंक ने क्या लॉन्च किया है? विच पर्टिकुलर प्लान हैज़ बीन लॉन्च बाय ICICI बैंक recently? Absolutely correct, it is the insta flexi cash for salaried personnel. उनके लिए insta flexi cash को हाल ही में इसने launch किया है. similarly HDFC bank की बात करेंगे तो HDFC bank को best domestic bank दिया गया है award for by the Asia Euro Money magazine. and then we have Axis bank सबसे latest आपका news में है because it has launched the soft POS with Mastercard and with Worldline. उसके साथ उन्होंने ये agreement जो है दोस्तों वो किया हुआ है. ठीक है, दैट इज़ एब्सोल्युटली दी करेक्ट आंसर गाइस. इसके अलावा ICICI बैंक ने वॉइस बैंकिंग की है, व्हाट्सएप बैंकिंग की है, और उन्होंने गोल्डन ईयर्स FD भी लॉन्च की है फॉर सीनियर सिटीजन. उस वजह से न्यूज़ में है गाइस. मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है, कतरा कतरा समझ में आ रहा है, जस्ट गिव मी अ कमेंट. यस सर, 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 हमें समझ में आ रहा है. फटाफट कमेंट कीजिएगा एंड मेक दिस शो अ लेजेंडरी शो गाइस. आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल टू वॉच दिस शो, सो दैट प्लीज़ फटाफट इसको शेयर करना स्टार्ट करो. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. द यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. इनमें से कौन सी तारीख को हर साल यूनाइटेड नेशंस का जो पब्लिक सर्विस डे है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं? इसका जवाब है आपके सामने ऑप्शन डी, दैट इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज 23rd of June. अब मेरा सवाल आपसे जरा फटाफट बताइएगा, वर्ल्ड ओलंपिक डे हम ऑब्जर्व कब करते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी आपका हम 23rd June को करते हैं. विडोज डे भी हम 23rd June को ही दोस्तों करते हैं. माय अदर क्वेश्चन टू एवरीवन इज प्लीज़ टेल मी व्हेन इज़ द वर्ल्ड म्यूजिक डे.
एंड द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ऑब्जर्व, किस तारीख को इनमें से हम वर्ल्ड म्यूजिक डे और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे करते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा. द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, इट इज 21st of June. इसके अलावा वी ऑल्सो ऑब्जर्व द नेशनल योगा डे ऑन 21st of June. इनमें से कौन सी तारीख को द 25th एडिशन ऑफ द नेशनल रीडिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डू वी ऑब्जर्व द नेशनल रीडिंग डे? एंड इसका आंसर जो है दैट इज 19th of June. एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज, बहुत बढ़िया, क्या बात है. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंटरनेशनल विडोज डे जो अभी सवाल एक आ रहा था बार बार, वो इनमें से किस दिन आपको ऑब्जर्व होता है? अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस आपका 23 जून को, माफ करना, आपका ऑब्जर्व यहां पर किया जाता है. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज गाइस, द वर्ल्ड विंड डे इज ऑब्जर्व, इनमें से किस दिन विश्व विंड दिवस को मनाते हैं? तो उसका आंसर जो है दैट इज 15th of June. इनमें से वो कौन सा डे है जब हम सोल्स्टिस डे मनाते हैं? विच डे इज द सोल्स्टिस डे? एक सवाल ये बनेगा आपसे, पहला सवाल इसका आंसर दीजिएगा. सेकंड सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछूंगा कि व्हेन इज द सिकल सेल डिजीज डे ऑब्जर्व? सिकल सेल डिजीज डे आपका कब होता है? सोल्स्टिस डे भी आपका होता जो है वो 21 जून को ही होता है, और सिकल सेल डिजीज कब होता है आपका? ये आपका 19th जून को आपका ऑब्जर्व किया जाता है. दैट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट, दैट इज एब्सोल्यूटली द करेक्ट आंसर गाइस. चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as the new chief executive officer of the Professional Risk Managers International Association PRIMA or PRMIA of its New India office? भारत में किस Professional Risk Managers International Association के New India office के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आपके सामने 5 options यहाँ पर दिए गए हैं, and the answer of this question is, it is option B, it is Mr. Nirakar Pradhan. इनको दोस्तों ये अपॉइंटमेंट दिया गया है. निराकर प्रधान जो हैं वो PRMIA के नए न्यू इंडिया ऑफिस के हेड बनाए गए हैं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द गरीब कल्याण रोजगार अभियान वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? बिहार के कौन से जिले में बाबू आपका जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जो आपका गरीब कल्याण योजना अभियान है, उसको किया गया है? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन ए, इट इज खगड़िया. खगड़िया वो जगह है जहां से इसको किया गया है, खगड़िया बिहार में इसको लॉन्च किया गया है. अब जरा हम जरा इस गरीब कल्याण पैकेज पे आपका क्विज चेक कर लेते हैं. क्विज करें कि ना करें कमेंट कर दीजिएगा. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. इन द मीन टाइम फटाफट वीडियो को शेयर करते रहिएगा. आज हमारा टारगेट है टू रीच 250 लाइव व्यूअर्स गाइस, फटाफट शेयर करते रहिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज के GKRA क्विज को. सवाल पहला, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन दिस पर्टिकुलर योजना? कितने स्टेट्स हैं? बहुत बढ़िया अर्जुन, क्या बात है, लव यू. सेकंड सवाल, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इन दिस पर्टिकुलर योजना? द आंसर इज 116. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल बजट ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना? द आंसर इज 50,000 करोड़. फोर्थ क्वेश्चन, which how many aspirational districts are there in this yojana? The answer is, it is 27. The last question guys, please tell me that this particular yojana is focusing on whom? Kiske upar ye focus kar raha hai bhaiya? This is focusing on the migrant laborers. Ye aapka migrant laborers par aapka dosto jo hai wo focus kar raha hai. क्लियर हो गया, पाक साफ हो गया, कतरा कतरा समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप. यस सर, यस सर, यस सर, हमें समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. विच महारत्ना कंपनी हैज एंटर्ड इन टू द पार्टनरशिप विद नीति आयोग फ्लैगशिप इनिशिएटिव अटल इनोवेशन मिशन टू एक्टिवली सपोर्ट द की इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया? भारत के किस महारत्न कंपनी ने प्रमुख नवाचार और उद्यमिता पहल को शुरू करने के लिए नीति आयोग का प्रमुख पहल अटल इनोवेशन के साथ अग्रीमेंट किया है? एंड द आंसर इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड. कोल इंडिया लिमिटेड ने ये अग्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर जो है वो कर रखा है. सो कोल इंडिया हैज अग्रीड विद AIM फॉर एक्टिवली सपोर्टिंग द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री. बिल्कुल सही जवाब है आपका, कोल इंडिया लिमिटेड इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन इंडिया हैज पार्टनर्ड विद विच IIT टू सपोर्ट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट्स इन अचीविंग फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी? संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम भारत ने खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में राज्य और राष्ट्र सरकारों का समर्थन करने हेतु किस IIT के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज IIT दिल्ली. अब जरा आपसे डिस्कस कर लेता हूं मैं IIT क्विज के बारे में. पहली बात, मेरा सवाल, आप थोड़ा सवाल थोड़े टफ होंगे आपके. द अल्ट्रासाउंड फॉर COVID-19 स्क्रीनिंग हैज बीन डेवलप्ड बाय विच IIT? जो अल्ट्रासाउंड है COVID-19 स्क्रीनिंग का, वो किसने किया है? इसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज IIT पलक्कड़, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
which IIT is at the second position in the QS rankings of World University. World University QS rankings में कौन सा IIT second स्थान पे है? उसका आंसर है दोस्तों IIT Delhi आपका जो है वो second स्थान पे, sorry IIT Delhi आपका जो है वो, नहीं नहीं गलती है शायद यहाँ पर, गलती है IIT Delhi आपका है शायद, गलती लग रही है यहाँ पर शायद, there has been a mistake. Yes, सही है, अच्छा ठीक है. Please tell me which IIT has topped in the overall rankings of the NIRF. NIRF की overall rankings में किसने टॉप किया, किस IIT ने? उस IIT का नाम है दोस्तों IIT Madras. यहाँ पर IIT Delhi थर्ड पे है, IISc आपका सेकेंड पे है और IIT Bombay आपका फर्स्ट पे. तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, थर्ड रैंक पे आपका IIT है QS रैंकिंग में, ठीक है, QS रैंकिंग में थर्ड पे IIT Delhi, सेकेंड पे IISc, फर्स्ट पे आपका है सॉरी सेकेंड पे IIT मुंबई, सॉरी सेकेंड पे IISc बैंगलोर, फर्स्ट पे आपका IIT बॉम्बे. सिमिलरली अब भारत की जो रैंकिंग्स है दैट इज कॉल्ड एज दी NIRF, उसमें IIT मद्रास नंबर वन पे है. ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? प्लीज़ गिव मी अ लव साइन अगर आपको कतरा कतरा समझ में आ गया. और द लास्ट क्वेश्चन टू एवरीवन गाइस, प्लीज़ टेल मी टी प्रदीप हैज़ बीन अवॉर्डेड द निके एशिया प्राइज, ही बिलोंग्स टू विच IIT, किस IIT से संबंधित हैं आपके टी प्रदीप? एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज, उसका जो आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसका आंसर है आपका IIT मद्रास. आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2020 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड, इनमें से किस महान अर्थशास्त्री को, लेखकार को दिया गया है दो जर्मन बुक ट्रेड द्वारा 2020 का शांति पुरस्कार? और इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी, इट इज अमर्त्य सेन. इनको ये सम्मान दोस्तों हाल ही में आपका दिया गया है. Who has authored the book The Legend of Suhail Dev, The King Who Saved India? Legend of Suhail Dev, The King Who Saved India की पुस्तक लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट इज अमिश त्रिपाठी, जिनको ये सम्मान दोस्तों हाल ही में आपका दिया गया है. इनकी फेमस बुक्स के नाम बताइए जरा फटाफट. इनकी फेमस बुक के नाम है द इमोर्टल्स ऑफ मलुहा, एक तो ये बुक है इनकी, एक और बुक है द स्पीड का फास्ट, ओके कोई दिक्कत नहीं, द सीक्रेट ऑफ नागास, ठीक है, फिर द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, फिर द इक्ष्वाकु फ्रेंचाइजी जिसमें इनकी है, द सीता द मिथिला प्रिंस, शिव ट्रिलॉजी यही है आपकी. सिमिलरली अमिताभ घोष की बात करें, इनकी बुक के लिख लीजिएगा, इनका इनकी बुक है सी ऑफ पॉपीज, सी ऑफ पॉपीज, कैलकटा क्रोमोजोम, रिवर ऑफ स्मोक, ये सब इनकी फेमस बुक्स हैं. अरविंद अड्डेगा की सबसे फेमस बुक का नाम है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर. प्रसून जोशी आपका न्यूज़ में है बिकॉज इन्होंने अभी लिखा है गाना हम हार नहीं मानेंगे, ये गाना इन्होंने लिखा है. बाकी चेतन भगत तो आप जानते ही होंगे, वन एट अ कॉल सेंटर, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं. आगे बढ़ते हैं, फेमस स्पोर्ट्स पर्सन राजिंदर गोयल हैज पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? एंड द आंसर इज इट्स ऑप्शन सी, इट इज आपका क्रिकेट से इनका दोस्तों संबंध था. ही इज बेसिकली फ्रॉम क्रिकेट एंड ही हैज टेकन मोर देन 750 विकेट्स इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट गाइज. एंड ये इसका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज. क्या बात है, आगे बढ़ते हैं. सो विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड. बाकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे आज के सेशंस थे, इसको फॉलो कर सकते हैं. बाकी हमारा बैच है RRB 2020 का जो कि सेकेंड बैच चल रहा है, और ये हमारा टेस्ट सीरीज है, ग्रीन कार्ड है जो कि आप अवेल कर सकते हैं. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर स्प्रेड द वीडियो एंड प्लीज़ बी प्रेजेंट टुमारो एट 8 AM. बाय गाइज, टेक केयर, प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ एंड गो ग्रेट अप गाइज. थैंक यू सो मच, बाय गाइज एंड टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच गाइज.